जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सीटेट 2022 जो एग्जाम दिसंबर में होना है उसके रिगार्डिंग सीटेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के बाद से सारे भ्रम जो थे वो क्लियर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या इस बार 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और जो पहले खबर आ रही थी कि 20 जुलाई से फॉर्म भरा जाना है, क्या वो खबर सही है या गलत है, ये सारी समस्याओं का समाधान सीटेट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके ख़त्म कर दिया है। आइए चलते हैं सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कि और पढ़ते हैं कि क्या है वो सूचना। तो देखिए, ये है सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट और आप देखेंगे कि यहाँ के आधिकारिक वेबसाइट पर आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पब्लिक नोटिस डेटेड 14 जुलाई को यहाँ पे फॉर नेक्स्ट सीटेट एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगा और पीडीएफ में जो सूचना दी गई है सीटेट के माध्यम से उसको हम पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कहना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, हिंदी में इस सूचना को पढ़ते हैं। आज की तारीख 14 जुलाई को यह सूचना जारी की गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिसंबर 2022 में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी के 16वें संकरण का आयोजन करेगा। पहली समस्या का समाधान हो गया कि बोर्ड 2022 दिसंबर में सीटेट का आवेदन सीटेट का एग्जामिनेशन लेगा, सीटेट संस्करण का आयोजन करेगा, दिसंबर में आपकी परीक्षाएं होंगी। अब वो परीक्षा कब होगी, डेट कौन सी डेट में परीक्षा होगी, इसके बारे में सीटेट कहता है उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर सटीक तिथि की सूचना दी जाएगी। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि दिसंबर 2022 में अगर परीक्षा होगा तो कौन सी डेट में होगा। सीटेट का कहना है कि जब आपका प्रवेश पत्र जारी होगा तब उसको उसकी सूचना दी जाएगी। पूरे देश में 20 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें कि परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा सहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है केवल उपरोक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले ध्यान से पढ़ें। मतलब आपको जो भी सूचना मिलती है ना वो इसी वेबसाइट पे मिलेगी और हम ये उसी वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये साफ लिखी गई है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथियाँ यथा समय सूचित की जाएगी। ये ध्यान से पढ़िए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की कब से आवेदन की जाएगी कि तिथियां यथा समय सूचित की जाएगी, समय रहते ही आपको बताया जाएगा। अर्थात अभी तक कोई डेट, कोई तिथि, कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है। जो लोग कह रहे थे 20 जुलाई को पेपर होगा, मैं उनसे पूछता हूं कि श्रीमान आपने वह 20 जुलाई कहां से प्राप्त किया, जबकि सीटेट ये कह रहा है कि अभी कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई है आपके आवेदन की। सीटेट का आधिकारिक वेबसाइट ये कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथियाँ यथा समय सूचित की आएंगी। भविष्य की बात की जा रही है, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कब फॉर्म भरा जाएगा और कब परीक्षा होगा, ये जल्द ही यथा समय सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब एक सूचना सीटेट ये कह रहा है कि सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोग जो एक पेपर में परीक्षा देंगे उनका आवेदन शुल्क 1000 रुपये होगा, दोनों पेपर के लिए 1200, एससी एसटी और विकलांग के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600। दोस्तों यही सूचना है और यही तथ्य है, अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं है। एग्जाम कब होगा ये आपके प्रवेश पत्र पे बताया जाएगा। The same चीज has been written in English that the dates for the online application process will be intimated during the course of the time। आपको जल्द ही यहाँ से बता दिया जाएगा और the exact date will be intimated on the admit card of the candidate। मतलब there is no such a information that when the exam will be held in December 2022, this notification you will get on your admit card and there is no any date fixed that when you are going to apply for the CTET 2022। So दोस्तों ये थी सूचना, उम्मीद है आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, घबराइए मत, जैसे कोई सूचना आती है सीटेट के लिए आपको सूचित किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ वाले घंटी के आइकन को क्लिक करिए ताकि सारी सूचनाएँ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत दोस्तों।